वसीम शाह के बारे में क्या कहेंगे, इंजर्ड हो गए यार, क्या ही बोल सकते हैं अभी गेम है, स्पोर्ट है, दे आर वेल वर्स विद दैट एंड इंजर्ड हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच के लिए ऑल द बेस्ट सर। इंजरी हुई बहुत बुरा लगा बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड ही इज गोना कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांग, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड नसीम शाह। शेर तो मैं नहीं बोलूंगी बट मैं दिल से ये कहती हूँ कि खुदा ने बनाया तो क्या बनाया, नसीम शाह बनाया। और ये मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बोलना चाहूंगी कि ये बंदा तुम्हारी कंट्री का नाम बहुत रोशन करेगा, ही हैज समथिंग इन हिम यार, 20 साल की उम्र में इतना करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड आई रियली रियली लव पाकिस्तानीज एंड लॉट्स ऑफ लव टू नसीम शाह फ्रॉम हम। उन्होंने वादा किया था कल, इसने अपना टिकट भी कैंसिल करवाया। और आप बताइए नसीम शाह, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ 20 साल के हैं और उन्होंने इतना कुछ देखा है और मैं सोचती हूँ ऐसा कि इंजरी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, राइट? तो ही इज़ गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर, वो खुदा के बच्चे हैं जैसे मैंने कल बोला था और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करेंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया टू नसीम शाह and we love him and he's going to play and big, especially Isha Shah ke taraf se usko bahut bada pyar. yes yeah, aap bataye aap aise hi asaan jeet expect kar rahi thi? नहीं, मुझे लगा था बराबर का मैच होगा लेकिन 223 रन से हम जीतेंगे वो पता नहीं था, तो इसीलिए और भी खुशी हुआ। Yeah. आपको किसी पाकिस्तान पे आपको हुआ कि यार ये कुछ करेगा मगर वो भी नहीं, नासिम को देखना था, ही इज सुपर हैंडसम सो बहुत टाइम से उनको देखना था लेकिन जीतना हमें ही था, लेकिन इतने रनों से जीतेंगे तो सुपर हैप्पी। आप बताएं कुछ आज कुछ खास नहीं कर पाए आपको है तो पर इसो की कुछ खास नहीं कर पाए, हमेशा तो अच्छा नहीं कर पाए, हमेशा तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो भी इंसान है, प्लेयर है, कभी हार कभी जीत होती है, अभी तो उनको इंजरी भी हुई है तो ऑब्वियसली हम इतना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम तो जीत गए और क्या चाहिए हमें, हमारे लिए तो अच्छी बात है। पाकिस्तान दोबारा उतरने वाला इंडिया के खिलाफ मैदान में, ओके बट लेट्स सी, हमें तो टाइम नहीं मिलेगा उनको देखने का लाइव, बट ऑल द बेस्ट टू देम, या थैंक यू। प्लीज़ नसीम जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, हम आपको ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जैसे ही आप बेहतरीन खिलाड़ी है, आज आपका दिन नहीं था बट हमको ज़रूर देखना चाहेंगे आपको फिर से दोबारा ग्राउंड पे। तो कैसा उनका वेलकम होगा नसीम शाह का? हम तो चाहते हैं वो इंडिया आए, हमें तो दूसरे मुल्क आना पड़ता है उनको देखने के लिए, कभी दुबई जाओ, कभी श्रीलंका आओ, कभी तो आओ आप इंडिया में। He is very handsome and he plays very well. Handsome तो और भी बहुत सारे हैं, इसमें क्या खास बात है? उनकी बात कुछ अलग है। अभी इंडिया जीती है वो बहुत खुशी में है, वो बोलो इजहार करो इंडिया के बारे में। नहीं, उनको वो हर्ट हुई है, नसीम अच्छा नहीं कर पाए। हां यार, नसीम बैटिंग के लिए नहीं आया ना। नहीं, हम खुश है, बिल्कुल खुश है, बस उनकी इंजरी के लिए ऑफ कोर्स हम दुखी है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए जो भी उनका इंजरी हुआ है।